गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अध्याय 7 गणित। आज हम नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। देखिए, त्रिभुज के बारे में आप सब परिचित हैं कि तीन भुजा से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसकी विशेषता में त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। तो देखिए, डायग्राम बना हुआ हमारे पास त्रिभुज, इसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये त्रिभुज के तीनों कोण है। भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी, ये त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं। शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष है। तो त्रिभुज तीन भुजा से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के प्रकार देखिए, त्रिभुज को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, पिछले आगे जो वीडियो में हम परिभाषा डेफिनेशन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुजों को तीन प्रकार में बांटा गया है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, बहु यानी भुजा, अर्थात वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार ए बी 5 सेमी, बी सी 5 सेमी और ए बी 5 सेमी, ए सी बी सी और ए बी, ए बी सी, ए बी बी सी और सी ए, 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी, यानी तीनों भुजाओं का योग मतलब कि बहुत समान है। दूसरा समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो और बाहु यानी भुजा, अर्थात वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसमें देखिए, ये दोनों भुजाएं समान माप की है और ये भुजा असमान, इस प्रकार के कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुजों को तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार है कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुजों को तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है, एक न्यूनकोण त्रिभुज होता है, दूसरा समकोण त्रिभुज होता है और तीसरा अधिकोण त्रिभुज होता है। न्यूनकोण त्रिभुज से हमारा अभिप्राय वह है कि वह त्रिभुज जिसमें उस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून होते हैं, यानी सभी कोण न्यून होते हैं, वो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, इस प्रकार ये कोण समकोण है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और एक अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज में एक कोण अधिकोण होगा, त्रिभुज का एक कोण अधिकोण होगा, वो कहलाएगा अधिकोण त्रिभुज। इस प्रकार न्यूनकोण तीनों कोण न्यून होंगे, ये समकोण, एक कोण समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। अधिकोण त्रिभुज में एक कोण अधिकोण होगा, इस प्रकार वो अधिकोण कहलाएगा। तो हमने भुजा का आधार पर देख लिया, कोण का आधार पर देख लिया। अब इससे संबंधित मैंने विशेषता भी बता दी कि त्रिभुज तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं और एक बंद आकृति होती है। यह देखिए, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अपने दोनों अंतर्विरोधी होकर बराबर होता है। देखिए, एक सवाल यह है कि त्रिभुज एबीसी, इसके तीन भुजा को हम आगे बढ़ा दें तो बनने वाला बहिष्कोण, यानी बाद में बनने वाला बहिष्कोण ए सी डी माना, ए सी डी, उसके अंतर्गत कोण ये और ये, कोण ए और कोण बी के योग के बराबर होगा। यानी कि जो नया कोण बनेगा बाद में त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, जो बाद में जो कोण बन रहा है वो त्रिभुज के उसके सम्मुख अंतर्गत कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये कोण होगा। अगर मैं ये कहूँगी ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, फिर ये जाके कोण 120 डिग्री का होगा। ये त्रिभुज के बाह्य कोण की माप होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतर्कोणों के योग के बराबर होगा। इसको करके कह देते हैं, माने त्रिभुज का कोण ए एक है, कोण बी दो है, कोण सी तीन है, कोण 4 में ज्ञात करना है तो कोण 4 कितने डिग्री का होगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कोण 4 बराबर कोण ए प्लस कोण 2, जो ये एक भुजा का बी सी को आगे बढ़ाया डी तक, तो इसको बी डी तक आगे बढ़ाने पर कोण 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो कोण 1 और कोण 2 के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर ए सी बी, कोण 4 के बराबर होगा, यानी कोण 1 और 2 दोनों कोण 4 के योग के बराबर होंगे। तो हम इस प्रकार त्रिभुज का बाह्य कोण
प्राप्त कर सकते हैं त्रिभुज के सम बाह्य कोण के सम्मुख दोनों अंतकोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। हमें दो कोण पता है, एक कोण पता नहीं है, 50 प्लस 70 प्लस x, एक कोण 50 का, एक दूसरा 70 का, तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो 50 और 70 120 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x ज्ञात करना है। तो 180 120 को मैं इस तरह लेकर जाऊँगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से माइनस 120 गया, तो x बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार हम कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। मेरे अंदाज से त्रिभुज की ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इन जानकारियों को आपको याद रखनी है, क्योंकि त्रिभुज से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज भुजा के आधार पर वर्गीकरण, कोणों के आधार पर वर्गीकरण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इस आधार पर इन सभी कोणों को जानकारी हमें याद होना अति आवश्यक है।